औज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। सरदार फयाज़ व्लॉग में खुश आमदीद। आज की जो हमारी वीडियो है, थ्री टाइप ऑफ द बिहेवियर, जो तीन तरह के जो बिहेवियर होते हैं उनके बारे में है। एसर्टिव बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, पैसिव बिहेवियर। पैसिव बिहेवियर का माना है गैर फ़ाल। एसर्टिव बिहेवियर का माना है जारियाना रवैया, और एग्रेसिव यानी गुस्सा होना। तो पहले बात करते हैं एसर्टिव बिहेवियर के बारे में। एसर्टिव बिहेवियर में वाज़े तौर पर क्या चाहते हैं महसूस करें और सोचें, और अपना फ़ैसला ख़ुद करना है और अपने लिए खड़ा होना है। दूसरे लोगों की नुक्ता नज़र को तस्लीम करना मजबूत और मुनसफाना हो। चेहरे के तासरात मजबूत और मुस्तकम हो। आप जो बोल रहे हैं, लफ्ज़ जो बात कर रहे हैं, वो मुस्तकम हो। मसाइल को हल करने के लिए तमीरी तरीके तलाश करें। लब व लहजा बड़ा शाइस्ता हो। पेशावराना तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दें। ये पॉजिटिव बिहेवियर है। इस तरह आप करेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। अब बात करते हैं एग्रेसिव बिहेवियर, जारहाना रवैया। किसी को उंगली के इशारे से बुलाना, चलाना, शाउटिंग करना, धमकी अमेज रवैया, तंज करना, किसी काम के लिए ऑर्डर देना, मुदाखलत करना, अलार्म लगाना, दूसरों को नीचा दिखाना, कैसा रायाँ करना, इख्तलाफ राय रखना। तो किसी को बोलें कि आप ये काम करेंगे तो आप तो ये काम कभी भी नहीं कर सकते, आप तो बहुत बेकार आदमी हैं, जैसे ये जुमले हैं, ये मनफी जुमले हैं। तो ये एक जरियाना रवैया है। ये आप रवैया अपनाएंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो बात करते हैं पैसिव बिहेवियर की, यानी खैर फ़हाल रवैया। इसमें बहुत ज़्यादा माजरत करना, हर बात पे सॉरी करना, किसी से आप बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट ना होना, साथ झुका के बात करना, बहुत ज़्यादा शर्मीलापन होना, अपने आप को नीचे रखना, गंभीर तकरीर, पीछे हट जाना, और उन चीज़ों से इत्फाक करना जो आप नहीं करना चाह रहे, और खामोश अल्फाज के साथ हलचल मचाना, हमेशा हंसते रहना। तो आपने कहाँ माजरत करनी है ये आपको पता भी नहीं है। ये सब मनफी रवैया है। सिक्योरिटी गार्ड को जिराना रवैया वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ इसकी ज़रूरत हो। हर वक्त हर एक के सामने बेबस नहीं होना चाहिए। वाज़े बराह रास्त और दयानतदारी से बात करें। दूसरों के हकूक में मुदाखलत ना करें। अपने आप को, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल बनाएं। कोड ऑफ कंडक्ट, ज़ाबता अखलाक आपके लिए एक ज़ाबता अखलाक है। इसको हमेशा आपने फॉलो करना है। आप फॉलो करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। वो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर सिक्योरिटी गार्ड के पेशावराना महारत को बरकरार रखने को यकीनी बनाने के लिए आम असूल देने होते हैं। जहाँ आपको होना चाहिए वहीं रहें, जहाँ आपकी लोकेशन है वहीं बैठें, आप फुल यूनिफॉर्म में आएं। ड्यूटी के दौरान आप कोई नशा और अशिया, अल्कोहल, बियर वगैरह इस्तेमाल ना करें। क्लाइंट की ज़रूरियात को हमेशा मद्देनज़र रखें और उनको पूरा करने की कोशिश करें। पुरअतमाद तरीके से काम करें, और अतमाद और ज़िम्मेदारी का गलत इस्तेमाल ना करें। अपनी पोस्ट को उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक आपका रिलीवर ना आ जाए। जो रिलीवर है उसको भी एक ज़िम्मेदारी समझ के ये काम करना चाहिए। ड्यूटी के दौरान किसी से ज़ाती मुलाकात ना करें, ज़ाती फोने ना करें, अपना ज़ाती कारोबार भी ना करें। अपनी ड्यूटी पोस्ट को भी ना छोड़ें। जो आपका रिलीवर आए वो भी ड्यूटी ईमानदारी से करें और चौकस रहे। जो दीगर मुलाजमीन रहते हैं, आपके कोवर्कर हैं या आपके साथ जो लोग काम करते हैं अपने काम कंपनी के, जैसे क्लीनर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ऑफिस बॉय हो गए, तो उनका भी एहतराम करना आपके ऊपर ज़रूरी है। और अपनी कंपनी की, अपनी लोकेशन की जो भी कोताहियाँ होती हैं तो वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ शेयर ना करें। और मैनेजमेंट उसी वक्त आपसे खुश होगी जब आप अच्छा काम करेंगे, मैनेजमेंट को खुश करेंगे,
मैनेजमेंट जो आपको बोलेगी उसी के मुताबिक काम करेंगे, उनके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, तभी आपसे मैनेजमेंट खुश होगी। आप मैनेजमेंट के साथ अच्छी तरह चलेंगे तो मैनेजमेंट भी आपके साथ अच्छी तरह चलेगी और आपको ये परमानेंट लोकेशन दे देगी। और जो मुलाकात हो, जो भी चीज़ें हों, वो आपने हमेशा अपनी मैनेजमेंट के साथ शेयर करनी है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह नेकबाद।